निहाल साहब, ये वैसे आप लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी सर इन चार लोगों के खिलाफ, ये जनरल बाजवा, जनरल फैज आसफ सईद कोसा और साकिब निसार साहब के हवाले से जो बयानियां बनाने जा रहे हैं, काफ़ी लेट नहीं हो गए सर आप लोग? देखिए, मुझे याद पड़ता है कि मैं इसी बयानिया पे मुझे सेनेट की सीट भी गई और मुझे जेल भी जाना पड़ा और तनकीद का निशाना भी बना। और उसके बाद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने गुजरावाला के जलसे में बड़ा खुल करके दो टोक नाम लिया था, किरदार का था, और उन्होंने कहा था कि आपको जवाब देना होगा, इस तबाही के जिम्मेदार आप हैं और आपको जवाब देना होगा और आवाम आपसे जवाब मांगेगी। तो आज आवाम जवाब मांग रही है। आप एक चीज़ देखिए कि नवाज़ शरीफ के उस सिग्नल के वजह से आज नवाज़ शरीफ की बोली इमरान खान भी बोलने लगे। इमरान खान साहब ने इससे पहले तो नहीं कहा था, वो तो कहते थे कि ये सबसे अच्छे लोग हैं। सर वैसे उन्हीं एक्सटेंशन के लिए आपको याद होगा उसके बाद नवाज शरीफ ने वोट दिया था। मुझे ये याद है मरियम साहिबा ने कहा था उसे गुना है, लेकिन आप लोगों ने वोट दिया था सर। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनको परेशान नहीं करें, उनको आराम करने दें। जी जी सर, सुन तो लेना। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी हकीकी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो मुल्क से बाहर थे, मरियम जेल में थी। पार्लिमानी पार्टी की सियासत अलग होती है और पार्टी की सियासत अलग होती है। पार्लिमानी पार्टी ने शायद वो फैसले किए होंगे, उनके मजबूरियाँ वो बेहतर जानते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी इंडोर्स नहीं किया बाजवा साहब के एक्सटेंशन। नवाज शरीफ के पन्ने में नहीं, डिक्शनरी में नहीं है एक्सटेंशन देना। उन्होंने माजी में कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया, तो आज क्या देंगे और आइंदा भी नहीं देंगे। अब बात सारी ये है कि बयानिया की बात ठीक है, बयानिया के साथ एक और चीज़ होता है किरदार, और किरदार के साथ परफॉर्मेंस। नवाज शरीफ ने पहले भी आपको कहा जो काम जो सर, आप भी एक सीनियर रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सीनियर रहनुमा ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की हिमायत या उनकी इजाजत के बगैर हम कैसे वोट डाल सकते थे। तो आप ये बात इंश्योर करा रहे हैं सर कि मियां नवाज शरीफ साहब रजामंद नहीं थे और पूरी मुस्लिम लीग नून ने उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर जाके वोट दे दिया। अल्लाह करे वो दिन आए कि आप मियां नवाज शरीफ को इंटरव्यू कर रही हो और आप उनसे पूछेगा आप ईमान से और सच बताएं, तो वो सच बता देंगे कि क्या, क्यों और कैसे हुआ था। अब देखें ना, बाद में तो आपको पता है, तो आप बता दें। कीमत अदा की, सब ने कीमत अदा की है, सब कीमत अदा कर रहे हैं और कर रहे हैं। बात सारी है कि यहाँ पे शॉर्ट साइटेड लोग बात करते हैं। नवाज शरीफ सोचता अगले 20 साल के लिए। नवाज शरीफ 90 में सोच रहे थे कि मुल्क में मोटरवे का जाल बनना चाहिए, मुल्क में एयरपोर्ट्स की जाल बनना चाहिए, मुल्क में येलो कार्ड चलाना चाहिए। सादा सी बात कर रही हूं। नून लीग ने वोट दिया आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए, नवाज शरीफ साहब अग्री थे या नहीं? अगर वोट दिया तो वो नामुनासिब वक्त था, नामुनासिब काम किया था, हम उस पर फख्र नहीं करते हैं। नवाज शरीफ साहब रजामंद थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब रजामंद नहीं थे।